नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा YouTube चैनल सपनों की उड़ान में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश का जबरदस्त देसी जुगाड़ धांसू ट्रिक, बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक जो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हमेशा एक सवाल छोटे बड़े एग्जाम में हमेशा बनता है, चाहे जैसा भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन हमेशा इसे फंसता ही फंसता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही आसान सा ट्रिक है और हम लोग जो है 14 से 15 साल लगा देते हैं एक बोर्ड एग्जाम देने के लिए मैट्रिक में, लेकिन यहाँ पर ट्रिक जो है बिल्कुल आसान है। एक बचपन का शैतानी बच्चा है, बचपन में ही BA पास हो जाता है, MBA पास हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, बचपन में BA पास, यही ट्रिक है आज का। भारत के पड़ोसी देश यही है अपना ट्रिक। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो भारत के पड़ोसी देश है बचपन में BA पास। देखिए दोस्तों कितना शानदार ट्रिक है, बचपन में BA पास, यहाँ मैट्रिक के लिए 14 साल 15 साल का लंबा इंतजार, यहाँ BA का पास हो गया बचपन में ही। देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक है एकदम। बस बांग्लादेश, से चाइना, बहुत ही शैतानी देश, हमेशा भारत को तंग करता है, लड़ाई झगड़े के लिए उकसाता है। पास से पाकिस्तान, इसी का भाई है, ये भी लड़ता झगड़ता बहुत है इंडिया के साथ। और नस हो गया आपका नेपाल, बहुत अच्छा खूबसूरत शहर, पहाड़ियों के वादियों का शहर। और ये मस हो गया आपका म्यांमार, ये भी बहुत अच्छा शहर है। और बीस हो गया आपका भूटान, और एस हो जाएगा आपका यहाँ पर अफगानिस्तान। ये हो गया आपका सात देश जो है अफगानिस्तान, सात देश भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान। बचपन में BA पास। जी हाँ दोस्तों, आपका ट्रिक माइंड में जरूर सेट हो गया गा। अगर ये सेट हो गया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बस से बांग्लादेश, चा से चीन, पास से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये रहा आज का देसी जुगाड़ ट्रिक। और एक साथ साथ और भी ट्रिक है इसी का, पड़ोसी देश का, वो भी सीख लेते हैं। बचपन में ये भी है, बचपन में यहाँ BA किया था ना दोस्तों, यहाँ बचपन में MBA करेगा, यहाँ बचपन में MBA किया, या MBA किया कहिए चाहे MBA पास करिए, बचपन में MBA किया चाहे बचपन में MBA पास कर गया, फिर वही सब है। बचपन में यही चारों आ जाएगा, बचपन में यही चारों आ जाएगा। मां से हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ भी हो जाएगा आपका सब कुछ वही है, एम से हम म्यांमार अंग्रेजी में लिख देंगे म्यांमार। अब बीस हो जाएगा आपका भूटान, और एस हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। बाकी बचपन में यही चारों है आपका दोस्तों। और यहाँ पर दो सवाल और फंसता है कि भारत का सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगता है? तो भारत के सबसे छोटी सीमा दे है आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के लगभग में, 106 किलोमीटर भारत की सबसे छोटी सीमा, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, यही बात से बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कितना? तो 40
छियानवे किलोमीटर 40-96 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा भारत का लगता है और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान कहाँ पर है ये जरा दिखाए थे आपको छोटा को मैप बना करके इंडिया का, अगर अपना ये इंडिया बनता है ये अच्छा खासा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों है अब यहाँ पर तो ये पाकिस्तान ऐसा है, यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है मात्र यहाँ पर 106 किलोमीटर है। और यहाँ से आप लाएंगे ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पर आपका ये बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश यहाँ पर 40-96 किलोमीटर का है लगभग में, यहाँ पर 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो आज हमने सीखा भारत के पड़ोसी देश, बचपन में MBA किया या बचपन में BA पास, जो आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो गया होगा। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, हम आपको धीरे धीरे हर विषय की जानकारी देते रहेंगे कंसेप्ट के साथ। हम आपको जल्दी फिजिक्स लाएंगे, केमिस्ट्री लाएंगे, खुद अपने ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी लाएंगे, कम्पिटेटिव वाला सब, ये नहीं कि 9-10 में सब कम्पिटेटिव वाला, और मैथ भी लेकर के आएंगे सारा लेसन पूरा कम्पिटेटिव वाला, भूगोल के साथ, इतिहास के साथ, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो वीडियो में आप हमेशा साथ देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मुस्कुराते रहें।